देखते हैं सब्ट्रैक्शन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट। तो हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है 110101, ठीक है। इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 100101, ठीक है। तो ये सब्ट्रैक्ट करना है आपको। तो जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लो। तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये हो गया इसका वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब इसमें आपको ये वंस कॉम्प्लीमेंट ऐड करना है, ठीक है। तो सिंपल ऐड कर लो 10 is 1, 01 is 1, 10 is 1, 01 is 1, 110 कैरी 1, 110 अगेन कैरी 1। लास्ट में आपका अगर कैरी बचता है तो इस कैरी को इग्नोर कर दोगे और इधर राइट मोस्ट में एक 1 ऐड कर दोगे, ठीक है। ये फर्स्ट केस जब आपका कैरी बचता है एक लास्ट में, ठीक है। इधर आपका यहाँ पर कैरी बचता है तो आप क्या करोगे, 1 ऐड कर दोगे राइट मोस्ट में, ठीक है। तो इसे ऐड कर दो, तो जो ये रिजल्ट आया ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हो यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल है, ये आपको एक बाइनरी नंबर है, इसमें से ये माइनस करना है दूसरा बाइनरी नंबर। तो आप कैसे करोगे, ठीक है। तो उसके लिए इसका आप वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लो, ठीक है। और इसमें पहले वाले में ऐड कर दो, ठीक है। तो आप कैसे ऐड करोगे, सिंपल है, ऐड कर लो 10 is 1, 11 is 0 कैरी 1, 0 कैरी 1, 0 कैरी 1, 11। अब देखो कोई कैरी नहीं बचा, इट मीन्स अब क्या करना है आपको, ये जो नंबर होगा एक इसका वंस कॉम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। जो रिजल्ट आया इसका वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करोगे, तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा ये, ठीक है। ये होगा आपका फाइनल रिजल्ट, ये होगा आपका आंसर, ठीक है। जब आपका कैरी नहीं बचता तो उस रिजल्ट का आप वंस कॉम्प्लीमेंट कर दोगे तो वो होगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। और ये नंबर होगा आपका नेगेटिव में, तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव 00 11 10, ठीक है। तो ये है आंसर। तो दो ही तरीके होते हैं, अगर कैरी बचे तब क्या करना है, अगर कैरी नहीं बचता तो क्या करना है, ठीक है। तो ये था सब्ट्रैक्शन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। थैंक यू।